हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी की यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मैट्रिसेस। इस चैप्टर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे, आइए पहले उन्हें एक बार डिस्कस कर लिया जाए। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इस टॉपिक के अंतर्गत हम मैट्रिक्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसके अंतर्गत हम उन दो कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे कोई भी दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनमें से कौन से ऑपरेशन मैट्रिक्स में किस तरह से एप्लीकेबल है, हम इनको इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसके अंतर्गत हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टॉपिक को कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एंड लास्ट है इनवर्स मैट्रिक्स। ये लास्ट के दो टॉपिक इस चैप्टर में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इनमें हम वो ऑपरेशंस पढ़ेंगे जैसे कि रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशंस पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे हम मैट्रिक्स का इनवर्स पता कर सकते हैं। आप सभी ने क्लास 10th में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते समय ये समझा था कि इसमें प्रेजेंट टू वेरिएबल्स जैसे कि एक्स एंड वाई, इनकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आपको दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। इन द सेम मैनर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर थ्री वेरिएबल्स हैं जैसे कि एक्स, वाई एंड जेड, तो इनकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आपको तीन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। वहीं अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में तीन की जगह 30 वेरिएबल आ जाएं, तो उन 30 वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आपको 30 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। वहीं अगर 30 की जगह 300 वेरिएबल आ जाएं, तो 300 वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको 300 इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे दो इक्वेशन के बाद तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने में हालत खराब हो जाती है। अब बात यहाँ पे हो रही है 300 इक्वेशंस की, तो ये सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड है आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह की कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में प्रेजेंट मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए जिस सिंपल मेथड या टेक्निक का इवोल्यूशन हुआ, उसी का नाम है मैट्रिक्स। क्लियर? आज की डेट में मैट्रिक्स का यूज सिर्फ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड करने तक ही सीमित नहीं है। इसका यूज आज वेरियस फील्ड्स में किया जा रहा है, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स एंड सो ऑन। अब हम मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन को समझने से पहले डेली लाइफ का एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए एक पर्सन है जिनका नाम है रामू काका, वे एक फ्रूट सप्लायर हैं। तो इस लॉकडाउन के समय में वो एक मोहल्ले से दूसरे, दूसरे से तीसरे एंड सो ऑन फ्रूट्स सप्लाई कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब वे पूरा फ्रूट सप्लाई कर लेते हैं, तो उनको पता करना है उनका टोटल कलेक्शन। तो इसके लिए वे क्या करेंगे? तो इसके लिए रामू काका ने जिन फ्रूट्स को सप्लाई किया था उन्हें एक तरफ और फ्रूट्स की ओरिजिनल क्वांटिटी, कॉस्ट पर केजी और टोटल अमाउंट को दूसरी तरफ लिख करके अपना रिक्वायर्ड कलेक्शन गेन किया। जैसे कि अगर रामू काका के पास एप्पल की टोटल क्वांटिटी 5 केजी है, पर केजी कॉस्ट पर 100 रुपीज है, तो रामू काका ने एप्पल की टोटल सेल से 500 रुपए का कलेक्शन किया होगा। इन द सेम मैनर मैंगो की टोटल सेल से 300 रुपए का, ऑरेंज की टोटल सेल से 300 रुपए का और ग्रेप्स की टोटल सेल से 160 रुपए का कलेक्शन किया होगा। क्लियर? अब इस तरह के प्रॉपर अरेंज डाटा या नंबर को उठा करके जब हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, तो इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। जनरली मैट्रिक्स को हम अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो ये नंबर्स दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग लाई करने वाले एलिमेंट्स रो कंस्टिट्यूट करते हैं और वर्टिकल लाइन के अलोंग लाई करने वाले एलिमेंट्स
कॉलम कंस्टिट्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 फोर डिफरेंट रोज हैं और 1, 2, 3 डिफरेंट कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे हुए 4 और नंबर ऑफ कॉलम्स हुए यहाँ पे 3। जनरली नंबर ऑफ रोज को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जिस तरह किसी ब्रांड की पहचान उसके काम से होती है, इन द सेम मैनर किसी भी मैट्रिक्स की पहचान उसके ऑर्डर से होती है और किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज m बाय नंबर ऑफ कॉलम्स n होता है। जैसे इस मैट्रिक्स में देयर आर 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 4 बाय 3। और किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम लोग राइट कॉर्नर में ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं 4 बाय 3। किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर से हम उसमें प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता लगा सकते हैं। जैसे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 4 बाय 3, तो 4 × 3 कितना हुआ 12। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्लियर? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज सिंपली m इंटू n। क्लियर? मैट्रिक्स के इवोल्यूशन और उसके रिप्रेजेंटेशन को समझने के बाद आइए अब देखते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इनटू रोज एंड कॉलम्स। यहां पे जो ये नंबर्स हैं दे मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स, बट एज पर अवर एनसीईआरटी मैट्रिक्स में हमें जो नंबर्स मिलेंगे दे ऑल विल बी रियल नंबर्स। वहीं अगर मैट्रिक्स में हमें कोई फंक्शन मिलेगा देन इट विल ऑल्सो बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए आप मैट्रिक्स पी में देख सकते हैं कि किस तरह से रियल नंबर्स को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज किया गया है। यहाँ क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि देर आर 3 डिफरेंट रोज एंड 3 डिफरेंट कॉलम्स। तो मैट्रिक्स पी का जो ऑर्डर हुआ वो हो जाएगा 3 बाय 3। वही मैट्रिक्स क्यू में अगेन आप देख सकते हैं किस तरह से रियल वैल्यूड फंक्शंस को 2 डिफरेंट रोज एंड 2 डिफरेंट कॉलम्स में अरेंज किया गया है। अब इस तरह से मैट्रिक्स क्यू का ऑर्डर हो जाएगा 2 बाय 2। क्लियर?